मैंने 2014 में मैंने MBA किया, उसके बाद में फिर मैंने ये अपना ऑरेंज का काम किया। आई वर्क्स फॉर वेस्टफ्रू.कॉम। लास्ट 3 ईयर से मैं ऑरेंज का काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जब प्लांट पे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एक भी प्लांट नहीं था, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी क्योंकि मैं हाथ से ग्रेडिंग कराता था और हाथ से ग्रेडिंग करने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम था और क्या कहते हैं रेट भी मुझे वो नहीं मिल पाता था जिस मतलब जितनी हम मेहनत करते थे इसमें। और जब से ये प्लांट लगा है, लास्ट ईयर मैंने भवानी मंडी प्लांट लगा था एक बार, वहाँ पर भी काम किया था और तो वहाँ पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसी टाइम पे मैंने एक बार हाथ से ग्रेडिंग भी करवाई थी असनावर जूनाखेड़ा गांव में, तो उस गाड़ी में मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस भी हुआ था जो मैंने विदाउट ग्रेडिंग करा के मैंने सेल किया था उसको। बट फिर मैंने ग्रेडिंग करा के जो मैंने संतरा किया उसको उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, मुझे बहुत अच्छे रेट मिलते हैं और मैं पैकिंग में भी मेरे को बहुत अच्छी मतलब लगता है कि भाई ऊपर से नीचे तक जो भी मेरा संतरा जाता है मतलब बहुत अच्छा जाता है ग्रेड होने के बाद में। जो भी जैसे कि डंप माल होता है वो निकल जाता है ग्रेड होने के बाद भी, हाथ से छाटने में मतलब आसानी होती है। डंप माल तो हम हाथ से छाट सकते हैं बट जो ग्रेड है वो हाथ से पॉसिबल नहीं है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम है और जब तक हम हाथ से ग्रेडिंग करवाएंगे टाइम कंज्यूम होगा और उसमें क्या है संतरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा हमारा। और क्योंकि इसमें सर अपने 8 साइज निकलते हैं, सबसे बड़ा जो दाना होता है वो होता है 80 काउंट का होता है, उससे नीचे फिर 196 होता है, 141, 171, 191, 205, 225 और लास्ट हम टू जो हम जीरो बोलते हैं उसको हम 250 में काउंट करते हैं। मैं सर ये डायरेक्ट मैं फार्मर से परचेजिंग कर रहा हूँ इसकी, और मतलब परचेजिंग करने के बाद यहाँ ग्रेडिंग वैक्सिंग करा के प्लांट पर और पैकिंग करा के बेचता हूँ। मेरा जो भी माल है वो सारा कंपनीज में जाता है, जैसे मदर डेयरी है, बिग बास्केट है, मदर मेट्रो कैश एंड कैरी है, आदित्य बिरला है, और मंडी में मेरा माल बहुत कम बिकता है सर क्योंकि हम क्वालिटी बेचते हैं, हम ऐसे क्वांटिटी नहीं बेचते सर।